देख सकते हो गाइज इस फोटो को, कितना अच्छा सा स्किन को ब्राइट किया और स्मूथ भी। हेयर को देख सकते हो कितना अच्छा से ऑयल पेंट भी किया। शर्ट को देख सकते हो पूरा रेडियम शर्ट जैसा लग रहा है। पूरा सिंपल ट्रिक है गाइज, पहले फोटो हमारा कुछ इस टाइप का था, कितना डार्क है देख सकते हो, फिर भी कितना अच्छा से एडिट कर लिया मैंने। कैसे एडिट किया सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप भी कुछ इस तरह फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फोटो को शेयर करके पिक्सार्ट का अंदर ऐड करना है। ऐड होने के बाद रिटोच में जाके स्किन टोन में जाना है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा स्किन टोन है, आप किसी भी स्किन टोन को सिलेक्ट करके स्किन को ब्राइट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहला स्किन टोन को सिलेक्ट करके ऑटो का ऊपर क्लिक करेंगे। देख सकते हो गाइज एक ही क्लिक में कितना अच्छा से स्किन हमारा ब्राइट हो गया। अमाउंट को ऐसे आप कम ज़्यादा रख सकते हो, अमाउंट को 50 तक रख के राइट का ऊपर क्लिक करना है। फिर से जाना है स्किन टोन में, पहला स्किन टोन को सिलेक्ट करके अभी मैनुअली में करेंगे। ठीक है, हार्डनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे प्लस का साइड, प्लस 74, ऑपोसिटी को भी थोड़ा बढ़ाएंगे 81। इतना होने के बाद जूम करना है, जूम करने के बाद स्किन का ऊपर ही पेंट करेंगे। ठीक है, हेयर का ऊपर पेंट नहीं करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, पूरा अच्छा से स्लो स्लो करना है। गलती से ब्रश कहीं भी चला जाएगा तो इराज में जाके आप रिसेट कर सकते हो फिर से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा स्पीड स्पीड करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी क्या करना है, फिर से मैनुअल में जाके ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे 36 के आसपास, हार्डनेस को भी थोड़ा कम प्लस 19, साइज को आपके हिसाब से रख के। अभी ध्यान से देखो, दाढ़ी के अंदर जो थोड़ा थोड़ा स्किन दिख रहा है सिर्फ स्किन का ऊपर ही पेंट करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ भी थोड़ा थोड़ा स्किन दिख रहा है ऐसे आपको पेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, स्किन का ऊपर जो ब्राइट हुआ है उसको मैच करेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, अमाउंट को थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से राइट का ऊपर क्लिक करना है। अभी क्या करना है, इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे कंट्रास्ट का ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हो स्किन हमारा और भी ब्राइट हो गया, अभी थोड़ा कंट्रास्ट भी बढ़ गया। यहाँ पे अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अमाउंट को 55 रखना है इतना, उसके बाद डन। अभी देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर, पहले कितना डार्क था फोटो हमारा, अभी कितना ब्राइट हो गया। इतना होने के बाद फिर से इफेक्ट्स में जाके ब्लैक एंड व्हाइट का ऊपर जाना है, बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। ठीक है, अमाउंट को पूरा जीरो कर देना है, उसके बाद रबर का ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्वर्ट करके पर्सन का ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देख सकते हो एक ही क्लिक में बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया, पूरा अच्छा से ब्लैक हो गया बैकग्राउंड हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक से इराज हुआ है कि नहीं, इराज नहीं हुआ है तो ठीक से ऐसे आप बाद में भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पूरा अच्छा से इराज करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। अभी क्या करना है, फिर से इफेक्ट्स में जाके आर्टिस्टिक का ऊपर जाना है, यहाँ पे नियोन का ऊपर जाएंगे। देख सकते हो शार्ट हमारा कैसे लाइटिंग हो गया। अभी यहाँ पे क्लिक करके फेड को पूरा जीरो करना है, उसके बाद रबर में जाके यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है,
इन्वर्ट करने के बाद रेस्टोर में जाके ऐसे पेंट करना है, ठीक है। 60 का ऊपर ही पेंट करेंगे पूरा अच्छा से। देख सकते हो गाइस 60 हमारा कैसे लाइटिंग हो गया। अभी बॉडी का ऊपर पेंट नहीं करेंगे, 60 का ऊपर ही पेंट करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर, पहले फोटो हमारा कैसे था, शर्ट को भी देख सकते हो पूरा रेडियम शर्ट जैसे हो गया। अभी क्या करना है, स्किन को स्मूथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा लेकिन ज़्यादा हार्ड स्मूथ नहीं होगा, हार्ड स्मूथ करना है। पहले फोटो को सेव कर लेंगे यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाके। अभी इस फोटो को शेयर करके ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर ऐड करेंगे। फोटो हमारा आ चुकी है ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। लेयर पैनल में जाके इस फोटो को डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट वाला फोटो को यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से ओरिजिनल फोटो का ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद पेंसिल आइकॉन पे जाके यहाँ पे एक ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, इस ब्रश को। उसके बाद सेटिंग में जाके स्ट्रेंथ को 3% और फॉलो को 3% रख के फोटो को पूरा जूम करना है पूरा अच्छा से। ऐसे जूम होने के बाद ब्रश का साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे इतना तक। उसके बाद ऐसे पेंट करना है, ठीक है। सिर्फ स्किन का ऊपर ऐसे राउंड राउंड करके पेंट करना है। देख सकते हो गाइज कितना अच्छा से स्किन हमारा स्मूथ हो गया। ऐसे करके आप स्किन को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा स्पीड स्पीड करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पूरा ध्यान से स्लो स्लो करना होगा, ठीक है दोस्तों। ब्रश का साइज को कम ज़्यादा करके देख सकते हो गाइज कितना इजीली स्मूथ हो गया। आप भी ऐसा करके स्मूथ कर सकते हो आपका फोटो को। फोटो का बिफोर आफ्टर भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो। अभी क्या करना है, इस डुप्लीकेट फोटो का ऊपर क्लिक करके ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे 20 के आसपास। इतना होने के बाद अभी फोटो को सेव कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, इस फोटो को लाइट रूम का अंदर ऐड करेंगे। देख सकते हो गाइज इस प्रीसेट को, आप प्रीसेट यूज करके भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके प्रीसेट का कलर को कॉपी करना है। कॉपी होने के बाद इस फोटो का ऊपर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देख सकते हो गाइज एक ही क्लिक में कितना अच्छा से कलर ग्रेडिंग हो गया। इस प्रीसेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इजीली कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। मैनुअल में करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। पहले इस फोटो का कलर को रिसेट करेंगे। अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले लाइट में जाके कॉन्ट्रास्ट को प्लस का साइड लेंगे। आपका फोटो के हिसाब से आपको देख के करना होगा, ठीक है दोस्तों। इतना तक बढ़ाएंगे। उसके बाद कलर में जाके मिक्स का अंदर जाना है। यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लुमिनेंस को प्लस का साइड लेंगे, ठीक है। देख सकते हो स्किन हमारा कैसे ब्राइट हो रहा है, जितना ब्राइट रखना चाहते हैं रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेचुरेशन को माइनस का साइड लेंगे। उसके बाद रेड कलर में जाके सेचुरेशन को प्लस का साइड लेंगे। लिप और शर्ट को थोड़ा रेड करेंगे, ठीक है। हुए को माइनस का साइड लेंगे। इतना होने के बाद टील कलर में जाके लुमिनेंस को प्लस 100, सेचुरेशन को भी प्लस का साइड लेंगे इतना तक। उसके बाद ब्लू कलर में जाके लुमिनेंस को प्लस 100, पर्पल कलर में जाके सेचुरेशन को माइनस का साइड लेंगे। कहाँ क्या चेंज हो रहा है आपको देख के करना होगा, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद येलो और ग्रीन कलर का सेचुरेशन को माइनस 100 करेंगे। उसके बाद डन। यहाँ पे व्हाइट बैलेंस को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। पहले वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे प्लस का साइड इतना। अभी क्या करना है, सिलेक्टिव टूल में जाके यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनाएंगे। इस ग्रेडियंट को यहाँ पे रखना है कुछ इस तरह। ऐसे रखने के बाद कलर में जाके ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
इतना होने के बाद इफेक्ट्स में जाके थोड़ा क्लैरिटी को भी बढ़ाएंगे प्लस का साइड। फिर से जाना है सिलेक्टिव टूल के अंदर। अभी सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनाएंगे। इस ग्रेडियंट को यहाँ पे रखना है कुछ इस तरह। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ग्रेडियंट को यहाँ पे रखने के बाद कलर में जाना है। यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाके थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ाएंगे इतना। अभी क्या करना है, चश्मा का कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर से सिलेक्टिव टूल के अंदर जाके सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे रखना है ग्रेडियंट को चश्मा का हिसाब से। पूरा पूरा अच्छा से रखने के बाद कलर में जाके यहाँ पे ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर होने के बाद लाइट में जाके थोड़ा कंट्रास्ट को भी बढ़ाएंगे प्लस का साइड। अभी क्या करना है, इस ग्रेडियंट का ऊपर ऐसे होल्ड करके रखना है। देख सकते हो डुप्लीकेट रेडियल ग्रेडियंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस डुप्लीकेट वाला ग्रेडियंट को यहाँ पे रखना है ऐसे पूरा अच्छा से चश्मा का हिसाब से। रखने के बाद डन। अभी देख सकते हो गाइज चश्मा का कलर भी चेंज हो गया। अभी क्या करना है, लिप का कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर से सिलेक्टिव टूल में जाके अभी फास्ट ब्रश को सिलेक्ट करके लिप का ऊपर ऐसे पेंट करना है। पेंट होने के बाद रबर में जाके जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा पेंट हुआ है ऐसे इरेज करेंगे। पूरा अच्छा से इरेज करने के बाद कलर में जाके यहाँ पे आप ऐसे आपका हिसाब से लिप का कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करना है, लाइट में जाके क्रॉप टूल के अंदर जाना है। यहाँ पे पहले ब्लू कलर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। हाईलाइट्स पॉइंट को ऊपर का साइड लेंगे, थोड़ा ब्लू टोन में रखना है इतना तक। उसके बाद ग्रीन कलर में जाके हाईलाइट पॉइंट को ऐसे ऊपर का साइड लेंगे, थोड़ा ग्रीन टोन में रखना है इतना। होने के बाद रेड कलर में जाके हाईलाइट्स पॉइंट को नीचे का साइड लेंगे इतना। इतना होने के बाद व्हाइट कलर में जाके हाईलाइट्स शेडोस और मिड टोन को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। पहले हाईलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे इतना तक। यहाँ पे और एक पॉइंट बनाएंगे, बीच में और एक पॉइंट बनाएंगे, ऊपर का साइड ड्रैग करेंगे, ठीक है इतना। इतना होने के बाद लास्ट पॉइंट को ऊपर का साइड ड्रैग करना है ऐसे। देख सकते हो एक मोडी इफेक्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है इतना तक। उसके बाद डन। अभी देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर। अभी क्या करना है, इफेक्ट्स में जाके क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे प्लस का साइड इतना। विग्नेट को माइनस का साइड लेंगे -22, मिड को भी। उसके बाद डिटेल में जाके शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे प्लस का साइड। नॉइज रिडक्शन को प्लस का साइड लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा इतना। कलर नॉइज को भी। अभी देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर कितना अच्छा से एडिट हो गया। हेयर का ऊपर थोड़ा ऑयल पेंट कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा एंड तो देखिएगा। पहले इस फोटो को सेव कर देंगे यहाँ से। अभी इस फोटो को शेयर करके टूलूज ऐप्स में ऐड करेंगे। ये ऐप्स रोटेट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही डायरेक्टली करना होगा। पहले इफेक्ट्स में जाके सॉफ्ट स्मूथ का ऊपर जाना है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑयल पेंट है, 1, 2, 3, 4 करके। चार नंबर ऑयल पेंट को सिलेक्ट करके मास्क का ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्लीन। अभी ध्यान से देखो फोटो को ऐसे जूम करके सिर्फ हेयर का ऊपर ही पेंट करेंगे, स्किन का ऊपर पेंट नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो गाइज कितना अच्छा से ऑयल पेंट हो गया। बिफोर आफ्टर भी दिखा देता हूँ। इतना होने के बाद राइट का ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से जाना है सॉफ्ट स्मूथ का ऊपर। अभी ऑयल पेंट 3 को सिलेक्ट करके मास्क का ऊपर जाना है। उसके बाद क्लीन। अभी ध्यान से देखो, अभी क्या करना है, सिर्फ दाढ़ी का ऊपर थोड़ा थोड़ा पेंट करेंगे, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ।
इतना होने के बाद डन। अभी क्या करना है, पूरा लास्ट में जाके इनहेंस का ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद शार्पनिंग का ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो जनरल, यहाँ पे क्लिक करके राइट का ऊपर क्लिक कर देंगे, डन। फोटो हमारा पूरा कंप्लीट एडिट हो गया, अभी देख सकते हो फोटो को कितना अच्छा से ऑयल पेंट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। आप भी ये ट्रिक को अप्लाई करके ऑयल पेंट कर सकते हो। अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके क्वालिटी को पूरा हाई कर देना है PNG, उसके बाद सेव।